अस्सलाम वालेकुम वन क्लास, आज हम करेंगे आपका जो हमने सबक पढ़ा था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी हम जो बुक वर्क है वो करेंगे। आप लोग पेज नंबर 25 और 26 निकाल लें ताकि हम उसका बुक वर्क कर सकें, ठीक है। ब्लैंक्स तो आपने बुक के ऊपर कर ली थी, अब मैं आपको आगे इसके क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ, आप लोग मेरे साथ इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, आज की डेट डाल लें, ठीक है, दिन लिखें, जमात का काम लिखें, ठीक है। सबक हमारा क्या है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम इसकी क्या करेंगे, मश्क करेंगे, यानी कि इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। हमारा सवाल नंबर 1 है, सवाल नंबर 1 है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब और कहाँ पैदा हुए। सवाल नंबर 1 है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब और कहाँ पैदा हुए। जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के शहर मक्का में 12 रबीउल अव्वल को पीर के दिन पैदा हुए, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के शहर मक्का में 12 रबीउल अव्वल को पीर के दिन पैदा हुए। यहाँ तक आपने लिखना है। आगे चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2 है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद किसने रखा और मोहम्मद का क्या मतलब है। ये हमारा है सवाल नंबर 2, ठीक है, लिख रहे सब बच्चे। जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, ये मैंने ब्लैक पेन में लिख दिया था भूल के, आप लोग अपनी पेंसिल से ही काम करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने रखा, ठीक है, जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने रखा जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाए, ठीक है। यह है दूसरे सवाल का जवाब। चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3 है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाया का क्या नाम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाया का क्या नाम था। जवाब है, हलीमा सादिया। क्या है, हलीमा सादिया। ख़त्मे का निशान लाजमी लगाया करें। उसके बाद है सवाल नंबर 4, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश किसने की। आप सल्लम की वालदा की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश किसने की। चलते हैं इसके जवाब की तरफ। इसका जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने की। आप क्या लिखेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने की, ठीक है। अब है सवाल नंबर 5 की बारी, हज़रत अबू तालिब कौन थे और उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश किस तरह की, ठीक है। इसका जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। हज़रत अबू तालिब कौन थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मोहब्बत से पाला, ठीक है। उन्होंने क्या किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मोहब्बत से पाला। अब आप लोग इसका पेज नंबर जो ये 26 जिसके ऊपर आपने अभी यही जो मोहब्बत से पाला यहाँ तक काम किया है, अब आप लोग इसकी जो चूज़ अ करेक्ट आंसर है इस पे आप दायरा लगाएंगे, ठीक है, जो मैं सर्कल करेंगे, मैं आपको बताती हूँ, आप मेरे साथ इसको सर्कल करें, ठीक है। सवाल नंबर 3 है हमारा, दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाइए, ठीक है। तो इसका जो नंबर 1 है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, कब पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे ये बताना हमने। अलिफ, मदीना शहर में। बे, मक्का शहर में। जीम, जद्दा शहर में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए थे, बे, मक्का शहर में, ठीक है। सवाल नंबर, अब इसका जो दूसरा है, दूसरा पार्ट है, सॉरी सवाल नहीं है, पार्ट है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद रखा, किसने अहमद रखा था आप सल्लम का नाम। अलिफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा ने। बे, आप
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने, जीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने, तो किसने रखा था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा ने। आप अलिफ को सर्कल करेंगे। ठीक है, चलते हैं इसके पार्ट नंबर थ्री की तरफ। चलें जी, नंबर थ्री है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था, क्या था वालिद का नाम? अलिफ हज़रत अब्दुल्ला, बे हज़रत हमजा, जी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। अलिफ हज़रत अब्दुल्ला। ठीक है, आप इसको सर्कल करेंगे। नंबर फोर है हमारा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम था, आप सल्लम की वालदा का नाम हमें बताना है। अलिफ हज़रत ज़ैनब, बे हज़रत हलीमा सादिया, जी हज़रत आमना। तो क्या था इनमें से? हज़रत आमना। आप जीम को सर्कल करेंगे। नंबर पाँच है हमारा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की किसने की थी? कि परवरिश यानी कि जब आप सल्लम बड़े हुए तो किसने की? अलिफ हज़रत अबू तालिब ने, बे अबू जहल ने, जीम हज़रत हमज़ा ने। हज़रत अबू तालिब ने, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। यहाँ तक आपने इसको कंप्लीट इसको सॉल्व कर लेना है। आप अपनी डायरी निकाल लीजिए ताकि आप उसको भी नोट डाउन कर लें, ताकि आप जो मैं आपको घर का काम दूंगी वो आप कर सकें आसानी से। चले लिखिए, अपनी डायरी निकालिए सब। चले जी, डू होमवर्क ऑन कॉपी क्वेश्चन आंसर, यानी कि जो मैंने आपको ये क्वेश्चन आंसर करवाए हैं, ये जो बुक पे करवाए हैं मैंने आपको पेज नंबर 25 और 26 पे, ठीक है, ये आपने क्या करना है, आप इसको इनको कॉपी पे आपने लिखना है, मार्जिन लाइन ड्रॉ करके सब कुछ डेट मेंशन करके हर चीज़ लिख के, जिस तरह से मैंने आपको कॉपी पे करके दिखाया है, आपने इसी तरह कॉपी पे करना है। ठीक है, सब बच्चों ने इस तरह अच्छी तरह नीड राइटिंग में काम करना है। ठीक है, और इसको याद भी करना है। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।